तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू, समझो इसको, मेरा क्वेश्चन यही है कि हाउ टू एक्सप्लेन ए वर्ड्स। वर्ड्स मतलब जानते हो, किसी कविता की पंक्ति को वर्ड्स कहा जाता है, और जो कोई कहानी होता है उसके लाइंस को हम लोग टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे व्याख्या करें, कैसे समझाएं, आपको व्याख्या करना ही समझना है ए वर्ड्स और टेक्स्ट। यानी कविता से भी आता है कुछ समझाने के लिए एक्सप्लेनेटरी, और स्टोरी से भी आता है, प्रोज पोएम दोनों सेक्शन से आता है, ठीक है। तो इसको आज इसी को समझना है, स्टेप वाइज कैसे हम एक्सप्लेन करें। तो हम यही स्टेप्स को आपको पांच स्टेप्स में बताए हैं, बहुत ही आसान है, समझिएगा। हम अभी इसमें कोई एक्सप्लेनेशन चुने नहीं है, बस तरीका बता रहे हैं आखिर कैसे करेंगे, पहला स्टेप हमारा होगा क्या। तो पहला, जो सबसे पहला स्टेप है, ये लाइन मस्ट इंक्लूड करना है शुरुआत ही में, ताकि पता चले कि नहीं आपका शुरुआत अच्छा है। तो देखो, ये जो है दीज लाइन्स होगा, एस लगा लीजिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, लेशन नेम देना है यहाँ पर, मतलब जो जो खाली पे खाली जगह मैंने छोड़ा हुआ है इस जगह, क्योंकि देखिए वो जो एक्सप्लेनेशन रहेगा जो पूछा जाएगा आपको, उसका पता होगा कि वो किस पोएम से आपको पूछा गया, या वो किस पोएम से है, या वो किस स्टोरी से है, वो पता होना चाहिए। सो अभी इसके लिए टेक्स्ट को डीपली पढ़ना जरूरी होता है, हम शायद आपको पढ़ाएं तो आप पता कर पाएंगे, पता देख के लग जाता है कि नहीं फलाने पोएम से है। तो यहाँ पर लेसन नाम दिख दे रहा है, सपोज जैसे कि आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी है यहाँ पर, जैसे कि नेचर के बारे में था, कौन सा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सपोज है, यहाँ पर लेसन का नाम लिख देना है, मतलब कहेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, है कि नहीं, लेसन नेम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कोई भी लेसन नाम जो रहेगा क्वेश्चन। फिर दूसरा लाइन हमारा होना चाहिए, इट हैज बीन कंपोज्ड और रिटन, दोनों में से कोई एक वर्ड चुनिए, मतलब यह लिखी गई है। इट किसके लिए आया, या जो एक्सट्रैक्ट ऊपर में जो दिया हुआ रहेगा, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है खंड या टुकड़ा जो आपको पूछेगा एक्सप्लेन करने के लिए, हम कहेंगे इट हैज बीन टेकन या रिटन, सॉरी यहां टेकन नहीं लेना है, कंपोज्ड या रिटन लेना है बाय, यहां पर है ऑथर नाम, यानी ऑथर नेम समझ रहे हैं सभी, लेखक का नाम लिखना है वहां पर, यानी इट हैज बीन कंपोज्ड, यह लिखी गई है, यह रचित है, कविता के लिए रचित वर्ड ज्यादा अच्छा होता है, कंपोज्ड कर सकते हैं या रिटन, दोनों में से कोई एक चुनकर यहाँ पर ऑथर का नाम लिख देना है, जैसे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन लिखा है, डब्ल्यू एच आजम। फिर देखिए अब तीसरा लाइन, यही मेन इंपॉर्टेंट है, शुरुआती का तो हम तो एक डिजाइन तैयार किए कि नहीं चलो इस तरह का हमारा फॉर्मेट है, अब यहां से स्टार्ट होना है मेन कंटेंट जो आपका एक्सप्लेनेशन का होगा, यही दो तीन लाइंस चार लाइंस का, जितना आप लंबा कर पाओ आंसर उसका उतना सुंदर आंसर लगेगा दिखने में। सपोज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो है क्या बताया गया है, यदि मान लीजिए उसी का कोई टेक्स्ट पूछता है, तो वो नेचर डिस्क्रिप्शन है और नेचर से कंपेयर किया गया है किसी ओल्ड एज को, है कि नहीं, एक ट्री को कंपेयर किया गया है ओल्ड एज से, बुढ़ापे से कंपेयर किया गया है। तो हम यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, एबम लाइंस कहिए, गिवेन लाइंस कहिए, या दीज लाइंस टेल अस दैट, मतलब यह पंक्तियां हमें बताती है, यह पंक्तियां जो है हमें बताती है, गिवेन लाइंस या दी हुई पंक्तियां, यह पंक्तियां या ऊपर दी हुई पंक्तियां, ये पंक्तियां हमें बताती है टेल अस दैट। अब सपोज नेचर डिस्क्रिप्शन है ही दैट, अब देखिए यहां पर हम सपोज यहां पर हेल्थ के बारे में कोई भी टॉपिक हो, अपने हिसाब से जो लगे कि पंक्ति को देखकर आपको कि वो ऐसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या कवि कहना चाह रहा है इन पंक्तियों में, उसको यहां पर इंक्लूड करेंगे। सपोज ये हेल्थ के बारे में है, कोई भी टेक्स्ट है वो हेल्थ के बारे में है, तो हम एक सिंपल सा सेंटेंस आपको दिख रहे लिखा के दिख रहे हैं, तो वी शुड नॉट एवॉइड और नेग्लेक्ट, वी शुड नॉट एवॉइड और नेग्लेक्ट हेल्थ, हमें स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए, एवॉइड या नेग्लेक्ट दोनों सेम वर्ड है। सपोज वो हेल्थ के इंपॉर्टेंस के बारे में, तो कभी कभी ऐसा सपोज कोई भाव दे रहा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, वी मस्ट बी वेरी कॉन्सियस, हमें कॉन्सियस मतलब जागरूक होता है, वी मस्ट बी वेरी कॉन्सियस, या इसके लिए एक और वर्ड आता है अवेयर, अवेयर मतलब जानते हैं सभी, सावधान जागरूक, सेम ही वर्ड है, वी मस्ट बी वेरी कॉन्शियस और अवेयर ऑफ आवर हेल्थ, मतलब समझ रहे हैं ये अपने मन से हम क्यों लिख रहे हैं, हम एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि यदि वो हेल्थ के इंपॉर्टेंस के बारे में है, स्वास्थ्य के महत्व के बारे में है, तो हम कुछ इस तरह से शुरुआत करेंगे लिखने का कि वी शुड नॉट अवॉइड और नेग्लेक्ट हेल्थ,
मतलब हमें स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए, वी मस्ट बी वेरी कॉन्शियस, हमें काफी जागरूक होना चाहिए, सावधान या सतर्क होना चाहिए ऑफ आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के बारे में। और भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी क्या बोले, यही लेंथ क्वेश्चन के लेंथ को, आपके आंसर के लेंथ को यही डिफाइन करेगा कितना लंबा आपका आंसर होगा। इसमें दो तीन लाइन, चार लाइन, जितना आपका इंक्लूड करने का इच्छा हो रहा है, क्योंकि चार मार्क्स का रहता है ना, तो चार मार्क्स का एटलीस्ट जो है आपको 40 से 50 शब्द में जरूर करना चाहिए एक्सप्लेनेशन। तो यानी एक मार्क्स के लिए 10 अच्छा है, 10 वर्ड चुन लेंगे एक लाइन, यानी 5 से 6 लाइन भी हो गया तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये आखिरी का लाइन आपको किस तरह से इंक्लूड करना है, 10 यानी इस प्रकार, द पोएट या ऑथर, जान रहे दोनों सेम वर्ड है, लेखक होता है इसका हिंदी, द पोएट और ऑथर हैज ट्राइड, ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना, कोशिश की है लेखक ने, टू कन्वे, कन्वे मतलब होता है पहुंचाना, जिनको नहीं पता है नोट कर लेंगे, कन्वे मतलब पहुंचाना होता है, और डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, बताना, बताने या पहुंचाने की कोशिश की है क्या, हिज थॉट्स, हिज मतलब उसका अपना जो विचार है, थॉट मतलब विचार, अपने विचारों को समझाने को या पहुंचाने की कोशिश की है। फिर है एक, अब देखो यहां तक भी आंसर आपका सटीक है, हो गया, लेकिन और थोड़ा आपको मन में, चलो ये सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है, थोड़ा और उसको इलोंगेट करना है, बड़ा करना है, तो लास्ट में एक दो लाइन और ऐड कर सकते हैं कि द वर्ड्स व्हिच हैव बीन चूजन, यानी चूज मतलब चुनना होता है ना, उसका भीतरी है, मतलब जो शब्द चुने गए हैं व्हिच हैव बीन चूजन टू डिस्क्राइब, बताने के लिए, आर वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण है। द वे ऑफ डिस्क्रिप्शन, वे मतलब यहाँ तरीका है, रास्ता नहीं बल्कि तरीका, द वे ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी विवरण का जो तरीका है, इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। यानी इन सब ऐसे ही हम लोग कुछ 5 स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करके हमें भी बताएंगे भी इसको कैसे एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको एक टेक्स्ट देंगे, उस हिसाब से आप करिएगा प्रयास, नहीं तो हम अभी बताएंगे। तो ये तरीका होता है आपका किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड्स को एक्सप्लेन करने का, ठीक है, इसको